ग्राम सभा मंजना में ग्रामीणों में भारी आक्रोश, ग्रामीणों का आरोप ग्राम सभा का पूर्ण विकास नहीं हुआ, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम सभा का पैसे का सही उपयोग नहीं किया, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से श्री अभय कुमार सिंह ने की। अभय कुमार सिंह का कहना है, प्रधानमंत्री के द्वारा योजना स्वच्छ अभियान के अंतर्गत घर घर शौचालय बनाने के अभियान को विराम दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जितने शौचालय कागज पे बने हैं उतने शौचालय बने ही नहीं है, और जो बने हैं वे आधे अधूरे हैं, लेकिन उनके पैसे को पास करा लिया गया है। जिला अधिकारी के द्वारा टीम का गठन किया गया है जो इसकी जांच कर रही है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जो आवास के पात्र हैं उनको आवास नहीं मिला है। सर, आज आप मंजना ग्राम सभा में आए हुए हैं, आपका आने कारण क्या है? अभय कुमार सिंह जी के द्वारा एक शिकायत की गई थी ग्राम सभा के कुछ बिंदुओं को लेकर के, जो विकास से थे, तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर हमें एक जांच अधिकारी बनाया गया था, तो उसी पे जांच करने के लिए आज हम यहाँ ग्राम सभा में आए थे, जिसकी सूचना पूर्व में दी जा चुकी थी। सर, जो आपने जांच किया, क्या जांच में अनियमितता पाई गई है क्या? नहीं, अभी इस स्थिति पे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पंचायत अधिकारी के द्वारा भी कुछ जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो अभी तत्काल प्रस्तुत नहीं किए जा सके, तो अभी हम जब अगली बार आएंगे तो उसके विधिवत जांच की जाएगी। अभी हमने कई यहाँ के जो शिकायतकर्ता थे उनसे बातचीत हुई है, जो गांव के और लोग थे उनसे बातचीत हुई है, जो प्रधान प्रतिनिधि थे उनसे बातचीत हुई है, तो अगली बार जब आएंगे तो हम भौतिक रूप से फिर निरीक्षण करेंगे। सर, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कागज में लैट्रिन बन चुकी है, नल भी लग चुके हैं, लेकिन हकीकत में नहीं लगे हुए, ऐसा आपको जांच में मिला है क्या? नहीं, अभी देखिए, अभी वो सूची हमको उपलब्ध कराएंगे, उसके आधार पे हम जा करके स्थलीय निरीक्षण करेंगे, तो चूंकि आज टाइम कम है तो अगली बार जब आएंगे तो हम शिकायतकर्ता और लोगों को सूचित कर देंगे पूर्व में, तो अगली बार जब आएंगे तो भौतिक निरीक्षण किया जाएगा। क्या शिकायतकर्ता आपसे जो आपने निरीक्षण किया है उससे संतुष्ट है? हाँ, कुछ बिंदुओं पे वो संतुष्ट हैं, और कुछ जो बिंदु थे वो एक लैट्रिन का बिंदु था तो, और एक आवास से रिलेटेड थे, तो उसकी सूची उपलब्ध होते ही जैसे हमें सूची मंडे को मिल जाएगी तो उसी आधार पे फिर भौतिक निरीक्षण करके सत्यापित किया जाएगा। आपने पूरे गांव का भ्रमण किया सर? नहीं, अभी तो यहीं पे आए थे, अभी लोगों से मुलाकात हुई, यहाँ पे सारे लोग थे, तो इन्हीं से जो सूची है अभी उपलब्ध नहीं हो पाई हमें, तो उसके आधार पे जब अगली बार आएंगे तो भौतिक रूप से निरीक्षण किया जाएगा, गांव का भ्रमण किया जाएगा। ये जो प्रधान है यहाँ के, इनके प्रति गांव वालों का क्या वो है, गांव वाले क्या उनसे अपेक्षा रखते हैं? ये गांव वाले तो सभी से विकास की अपेक्षा ही रखते हैं नेचुरल पे। तो क्या विकास हुआ गाँव वालों का? देखिए, हम जो यहाँ पे आए थे वो जो शिकायत आई थी, जो बिंदु शिकायत पत्र में दिए गए थे, इन बिंदु तक हमारी जांच रहेगी, ठीक है। आने वाले जब कल में हम आएंगे, अगली बार जब आएंगे तो उन लिखित जो बिंदु थे उन बिंदु पे उसकी जांच की जाएगी, फिर जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? अभय कुमार सिंह नाम है हमारा। जो यहाँ पे अधिकारी लोग आए थे शिकायत प्रधान के खिलाफ, किसने किया था? हमने किया था, अभय कुमार सिंह हमने किया था। तो अधिकारी से, अभी सेक्रेटरी साहब थे उनके साथ में एक अधिकारी और थे, क्या बात हुई आप लोग की? हमारी बात ये हुई, जो नोटिस लगी थी 7 दिन के अंदर अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए सचिव महोदय के लिए, उन्होंने अभिलेख अपना उपस्थित नहीं कर पाया है, उन्होंने मंडे का टाइम दिया है, मंडे को जो है अभिलेख उपलब्ध करेंगे सुल्तानपुर जिले में, उसके बाद वो मंगलवार को फिर यहाँ आएंगे। पुनः ऐसा क्या लगा था जो आपने जो है प्रधान के खिलाफ दरखास्त दिया? सर, ऐसा इसलिए लगा है कि 15 साल से रेगुलर जो है वो प्रधान हैं, प्रतिनिधि प्रधान की हैं, और इस गांव में कहीं भी शौचालय जो आया प्रधान की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, वो नहीं बना। आवाज जो है पात्र पात्रों को